दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। तारीख़ ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने कमालात से दुनिया को दंग किया। इनमें से कुछ किरदार अपनी जंगी महारत के बायस तारीख़ में ज़िंदा हैं, तो कुछ अपनी ज़हानत के बलबूते पर दुनिया में अपना नाम कर गए। कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो अपनी संजीदा तबीयत के साथ दुनिया पर राज करते रहे और कुछ अपनी ज़राफ़त के बायस नाम कमा गए। आज की हमारी वीडियो में ऐसे ही ज़रीफ़ और शोख तबीयत के मालिक तारीखी किरदार मुल्ला दो प्याज़ा के मुतल्लिक आपको दिखाएंगे। मुल्ला दो प्याज़ा कौन थे, शहनशाह अकबर के दरबार में उनका ओहदा क्या था और उन्हें दो प्याज़ा क्यों कहा जाता था। शहनशाह अकबर के मुसाहिब ख़ास बीरबल के साथ भी उनकी नोक झोंक चलती रहती थी। इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएँगे। दोस्तों, मुल्ला दो प्याज़ा, जिनका असल नाम अबुल हसन था, 1542 में मक्का मुकर्रमा के नवाही शहर ताइफ में पैदा हुए। वो बचपन ही से नहायत ज़रीफ़ यानी मज़ाह से भरपूर और शरीर तबीयत के मालिक थे। मकतब में इनकी शरारतें काफ़ी मशहूर थीं। एक वाक़या है कि एक बार उन्होंने अपने एक हमजमात की किताब अपने उस्ताद के बस्ते में छुपा दी। बच्चे ने जब किताब की गुमशुदगी के बारे में उस्ताद को बताया तो उस्ताद ने ऐलान किया कि जिसके बस्ते से किताब मिलेगी उसका मुंह काला किया जाएगा। अबुल हसन स्याही और दवात लेकर खड़े हो गए। सब बच्चों के बस्ते देखे गए लेकिन किताब ना मिली। अबुल हसन ने कहा, सिर्फ उस्ताद साहब का बस्ता रह गया है, वो भी देख लेना चाहिए। उस्ताद साहब का बस्ता देखा गया तो किताब उसमें से निकल आई। अबुल हसन आगे बढ़े और फरमाया, जी उस्ताद मोहतरम, मैं स्याही और दवात ले आया हूँ, क्या हुक्म है। दोस्तों, अबुल हसन के वालिद का नाम अबुल मुहासिन था। उन्होंने दो शादियां की थीं लेकिन उनकी दूसरी शादी ज़्यादा देर चल ना सकी और एक दिन अपनी बीवी से वो लड़ पड़े, घर छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह चले गए। कमसिन अबुल हसन, जिन्हें बाप से इंतहाई लगाव था, बाप की जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाए और तीसरे दिन ही बाप को ढूंढने निकल खड़े हुए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ईरान जाने वाला काफिला मिला तो उसके साथ हो लिए और ईरान चले आए। दोस्तों, उन दिनों शेरशाह सूरी से शिकस्त के बाद मुग़ल शहनशाह हुमायूं भी अपने कुछ साथियों के साथ ईरान में मौजूद थे। हुमायूं के एक मसाहब ख़ास मिर्ज़ा बख्शुल्ला ख़ान की मुलाकात इस कम उम्र बच्चे अबुल हसन से हुई और वो इसकी शोख तबीयत के गर्विदा हो गए। कुछ अरसे बाद जब हुमायूं हिंदुस्तान वापस पलटे तो अबुल हसन भी इस काफ़िले के साथ हिंदुस्तान चले आए। अबुल हसन चूँकि अरबी थे इसलिए उनकी तिलावत बहुत खूबसूरत थी, सो उन्हें दिल्ली की एक मस्जिद में इमामत का मौका मिल गया। दोस्तों, हिंदुस्तान आकर अबुल हसन जल्द ही मुख्तलिफ महफिलों और मजलिसों में बुलाए जाने लगे। ज़रीफ़ाना तबीयत और शोखो चंचल बातों की बदौलत वो काफ़ी मशहूर हो गए। एक बार शहनशाह अकबर के एक मसाहिब अबुल फजल फैज़ी ने उन्हें दावत पर बुलाया। वहाँ हिंदुस्तान की एक मशहूर डिश दो प्याज़ा तैयार करवाई गई। उन्हें यह डिश इतनी पसंद आई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि आइंदा वो सिर्फ ऐसी दावत में शरीक होंगे जिसमें दो प्याज़ा मौजूद होगी। फिर इनकी इसी रग़बत को देखते हुए लोगों ने इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रख दिया। दोस्तों, मुल्ला दो प्याज़ा की दिलचस्प बातें और लताइफ जल्द ही दिल्ली में मशहूर हो गए। उनकी बातें शाही दरबार तक पहुंचने लगीं और एक दिन उनकी किस्मत का सितारा यूं चमका कि शहनशाह अकबर ने उन्हें दरबार में बुलवा लिया। शुरू में उन्हें आम सा एक ओहदा दिया गया लेकिन जल्द ही वो अकबर के मसाहिब ख़ास बन गए और मरते दम तक इस ओहदे पर फायज रहे। एक बार शहनशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याज़ा से पूछा कि कोई ऐसा काम बताओ कि नेकी में बदी हो जाए। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और बोले, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊं। शहनशाह ने फौरन खाना पेश करने का हुक्म दिया। खाना आया तो मुल्ला दो प्याज़ा वो खाना लेकर घर जाने को तैयार हुए। शहनशाह ने कहा, घर जाकर नहीं खाना बल्कि यहीं खाना खाकर हमारे सवाल का जवाब दो। नाचार मुल्ला ने वहीं बैठकर खाना खाया और फिर घर जाने लगे। शहनशाह ने फिर कहा कि खाना खा लिया, अब हमारे सवाल का जवाब दो। मुल्ला ने फौरन अर्ज़ किया, मैं जवाब दे चुका हूँ। शहनशाह ने कहा, हमें तो कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। मुल्ला ने अर्ज़ किया, आपने खाना खिलाकर नेकी की और मुझे खाना साथ ले जाने से मना करके बदी कर दी, यही नेकी में बदी होती है। ये सुनकर बादशाह नहायत शर्मिंदा हुए। दोस्तों,
दोस्तों एक और मशहूर लतीफ़ा है कि मुल्ला दो प्याज़ा की शोहरत का सुनकर एक ईरानी आलिम दिल्ली तशरीफ़ ले आए। उनके कहने पर दरबार में दोनों की जहानत का मुकाबला तय पा गया, लेकिन इस मुकाबले में दोनों फ्रीकैन ने इशारों की ज़ुबान में बातें करना थी। ईरानी आलिम ने पहल की और एक उंगली उठाई, जिसके जवाब में मुल्ला दो प्याज़ा ने दो उंगलियाँ उठाईं। आलिम ने हथेली आगे की तो मुल्ला ने मुक्का बनाकर आगे कर दिया। आलिम ने एक अंडा निकाल कर सामने किया तो मुल्ला दो प्याज़ा ने प्याज आगे रख दिया। ये सब देखकर ईरानी बहुत मुतासर हुआ और हार मान ली। वो हार मान कर जब ईरान पहुंचा तो लोगों ने पूछा, मुकाबला कैसा रहा? उसने कहा, मैंने मुल्ला दो प्याज़ा के आगे एक उंगली उठाई कि अल्लाह एक है, तो उसने दो उंगलियां उठाईं, जिसका मतलब था कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह पर ईमान लाने के अलावा रसूलुल्लाह पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फिर मैंने हथेली आगे करके कायनात हथेली की तरह वसी की तो उसने मुट्ठी बनाकर दिखाई कि जितनी भी वसी हो सब अल्लाह के कब्ज़े में है। फिर मैंने अंडा सामने रखा कि दुनिया अंडे की तरह गोल है तो उसने प्याज सामने रख दिया कि ज़मीन गोल है लेकिन आसमान इस प्याज की परतों की तरह तह दर तह है। दूसरी जानिब दोस्तों, जब अकबर ने मुल्ला से अहवाल पूछा तो उन्होंने और कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ईरानी आलिम ने उंगली दिखाकर कहा था कि मैं तुम्हारी आँख फोड़ दूंगा। मैंने दो उंगलियाँ दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। फिर उसने हथेली दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैंने मुक्का दिखाकर कहा मैं मुक्का मार दूंगा। फिर उसने अंडा दिखाया तो मैंने प्याज निकाल कर दिखाया कि दोनों को इकट्ठा पकाया जाए तो कैसा है। ये सुनकर शहनशाह हंस हंस कर लौट पौट हो गए। दोस्तों बीरबल, जो कि शहनशाह अकबर के खास मसाहिब थे, मुल्ला दो प्याज़ा और उनके दरमियान कभी नहीं बनी। इनके दरमियान हर वक्त मुकाबलाबाजी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक वाक्या मशहूर है कि एक बार राजा बीरबल किसी सफ़र से वापस आकर शहनशाह अकबर से सफ़र की मुसीबतें बयान कर रहे थे। कहने लगे, जिस नाम के आखिर में बान आता है वो बहुत ही शरीर और बदमाश होते हैं, जैसे फील बान, कश्ती बान, सार बान वगैरह। वहीं करीब ही मुल्ला दो प्याज़ा भी ये बात सुन रहे थे। वो झट से बोले, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मेहरबान। इनकी इस बात पर शहनशाह बहुत हंसे। एक बार किसी शख्स ने नया मकान बनवाया तो मुल्ला दो प्याज़ा और बीरबल दोनों को दावत पर मद्दू किया। दावत से वापसी पर राजा बीरबल ने कहा, मकान तो अच्छा है लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा है, इसमें से तो मुर्दे की चारपाई निकालना भी मुश्किल है। इन साहब को बहुत गुस्सा आया और मुल्ला से शिकायत की। मुल्ला ने कहा, बीरबल तो है ही बदख्वाह, आप फिक्र ना करें, आपका दरवाज़ा इतना बड़ा है कि आप पूरे ख़ानदान के जनाजे बासानी यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार मुल्ला निगाह नीची करके कहीं जा रहे थे कि रास्ते में राजा बीरबल मिल गए। कहने लगे, मुल्ला जी निगाह नीची करके क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, मेरा बाप गुम हो गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। राजा बीरबल ने शरारत से कहा, अगर मैं ढूंढ दूँ तो क्या दोगे? मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, अगर तुमने ढूंढ लिया तो मेरा बाप आज से तुम्हारा। एक और मशहूर लतीफ़ा है कि एक बार शहनशाह अकबर ने मुल्ला से कहा, कोई ऐसी शरारत करो जो आज तक किसी ने ना की हो। मुल्ला ने दो दिन मांगे लेकिन दो दिन बाद वो कोई शरारत ना कर सके। शहनशाह ने नाराज़ होकर उन्हें शहर बदर कर दिया। मुल्ला एक गांव में पहुंचे, दाढ़ी मूंछ मंडाई और वहां एक टीले पर सफ़ेद लिबास पहनकर बैठ गए। कुछ लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा तो अल्लाह की पहुँची हुई हस्ती समझे और उनका जिक्र शहनशाह से किया। शहनशाह उनके पास हाजिर हुए तो मुल्ला ने उनसे कहा, मैं एक फ़रिश्ता हूँ और आपको जन्नत का लिबास ज़ेब-ए-तन करवाना चाहता हूँ, लेकिन इस लिबास की यह ख़ास बात है कि यह किसी बद किरदार को नज़र नहीं आता। बादशाह बहुत खुश हुआ और इजाज़त दे दी। मुल्ला ने इजाज़त मिलने के बाद बादशाह सलामत का लिबास उतारा और सिर्फ ज़ेर-ए-जामा यानी अंडरवेयर छोड़ा। फिर कुछ ऐसी हरकत की जैसे वो बादशाह सलामत को लिबास पहना रहा है। अब वहाँ खड़े तमाम लोग ये देख रहे थे कि बादशाह सलामत के जिस्म पर कोई लिबास नहीं। खुद बादशाह को भी दिखाई दे रहा था कि वो बेलिबास हैं, लेकिन फिर भी इस डर से नहीं बोले कि लोग उन्हें बदकार कहेंगे। बादशाह सलामत इसी हालत में शाही दरबार आए। दरबार में भी सब ने कहा, वाह क्या लिबास पहना है। अब बादशाह को शक हुआ कि शायद सिर्फ वही बदकार हैं क्योंकि उन्हें ही लिबास नज़र नहीं आ रहा। वो अपने हुजरे में गए और बेगमात से पूछा तो उन्होंने कहा, आपके जिस्म पर वाकई कोई लिबास नहीं है और कोई आपको पागल बना गया है। शहनशाह काफ़ी शर्मिंदा हुए और इस मक्कार को ढूंढ लाने का हुक्म दिया, लेकिन मुल्ला अब वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर ऐलान हुआ कि अगर वो मक्कार शख्स खुद हाजिर हो जाए तो उसे 2000 रुपये इनाम दिया जाएगा।
मुल्ला ने सुना तो फौरन दरबार में हाजिर हुए और कहा, मैं ही हूँ वो शख्स। शहनशाह ने शरारत की वजह पूछी तो मुल्ला ने झट से कहा, आपने खुद ही कहा था कोई ऐसी शरारत करो जो आज तक किसी ने ना की हो। मुल्ला की बात सुनकर शहनशाह शर्मिंदा भी हुए और हंस भी पड़े। दोस्तों, जहन में रहे कि ये सब कहानियाँ मिर्च मसाले के साथ और मुबालका आराई के साथ हम तक पहुँची हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी जूं की तूं सच्चाई पर मबनी हों। दोस्तों, मुल्ला दो प्याज़ा ने अपनी सारी ज़िंदगी शाही दरबार ही में गुजारी थी। आखिरी वक्त में शहनशाह अकबर जब दक्कन गए तो ये भी उनके साथ ही थे। हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिन बाद एक कस्बे हंडिया में 1599 में वफात पा गए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।